खबर अयोध्या से है, जहां थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के एक होटल से भोजपुरी अभिनेत्री आमपाली दुबे के कमरे से हुई चोरी की घटना का आज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस द्वारा दो अंतरराज्यीय आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से चोरी हुए लगभग 25 लाख आभूषण और मोबाइल फोन 100% बरामदगी भी कर ली गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान की है। इसके बाद आरोपी पिता पुत्र को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी पिता गोपाल और बेटा कुमार तमिलनाडु के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस के द्वारा खुलासा किए जाने पर भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि 24 घंटे के अंदर अयोध्या पुलिस चोरी का खुलासा कर देगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर अयोध्या पुलिस ने किया खुलासा। अयोध्या पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद, उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। उसने कहा उसे गर्व है कि वह उत्तर प्रदेश का निवासी है, उत्तर प्रदेश में बाबा का राज है। सीएम योगी को बहुत बहुत धन्यवाद, इस चोरी से मिला बड़ा सबक अब कमरे को लॉक करना नहीं भूलूंगी। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एएसपी सिटी मधुबन सिंह ने कहा कि अयोध्या धार्मिक नगरी, यहां चोर श्रद्धालु बनकर पहुंचते हैं और होटल धर्मशालाएं मेरे छुपने का मौका मिलता है। अयोध्या पुलिस की यह बड़ी कामयाबी है जो 24 घंटे के अंदर तमिलनाडु के चोर पिता पुत्र गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से अभी सामान बरामद हुए हैं। बता दें कि आम्रपाली दुबे ने भोजपुरी फिल्म विवाह 3 की शूटिंग के लिए अयोध्या आई हुई हैं। उनके साथ फिल्म में विलेन का रोल निभा रहे अवधेश मिश्रा, प्रदीप पांडे और आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ शूटिंग कर रहे हैं। आम्रपाली यहां सिविल लाइंस इलाके में साने अवैध होटल में ठहरी हुई हैं। गुरुवार को आम्रपाली दुबे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनके दो एप्पल कंपनी के मोबाइल फोन समेत 25 लाख रुपए के गहने चोरी हो गए। इसकी जानकारी उन्हें गुरुवार को सुबह होटल आने पर हुई। जगी और अपना फोन देखना चाह रही थी कि अलार्म क्यों नहीं बजा इसके लिए, तो जब दिखा नहीं, मैं देखा कि मम्मी का भी दोनों फोन नहीं है। तब तक मम्मी ने बताया कि उनका पर्स भी नहीं है, तो कुछ समय के लिए तो मैं एकदम ब्लैंक हो गई मुझे, क्योंकि ये थॉट ही कि कमरे में कोई आया था और ऐसे कुछ लेके चला गया, वो थॉट ने इतना डरा दिया मुझे कि इट वॉज वेरी स्कैरी। तो जैसे मुझे समझ में आया, मैंने नीचे रिसेप्शन पर बात की और पुलिस तब तक आ चुकी थी। मैंने बस अपने फ़ोन से नीचे फ़ोन किया था, तब तक मैं जब तक नीचे पहुंचे पुलिस आ गई थी वहां पे और सीसीटीवी फुटेज देखना चालू हो गया था लगभग 9 बजे के आसपास। मैं बस यही सोच के मुझे डर लग रहा था कि सब सामान लेके गया, कुछ अगर जब कोई आता कमरे में मेरी आँख खुल जाती तो क्या होता, बस यही सारे थॉट्स मुझे बहुत डरा रहे थे। मैं सोई हुई थी एक्चुअली, सुबह मैं जगी थी और मेरे पापा का कमरा बाजू में ही था, तो उनको दवाई देने गई थी तो मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। उसके बाद मैं वापस आके लॉक करना भूल गई, बस वही एक गलती हो गई मुझसे और फिर इतना सब हो गया। अब जो जब मैं कल पूरे दिन सबसे बात करी थी, प्रशासन के सब लोगों ने इतनी मदद की, इतना आश्वासन दिया मुझे दिन भर, जितने का सामान गया कोई भी आदमी पैनिक करने लगेगा, और मैं बहुत डरी हुई थी अंदर से। तो जब मुझे सर बोल रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, आपको सब वापस मिल जाएगा, आप भरोसा करिए, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, हो सकता है कि जिसने चुराया है वो मिल जाए, पर जो सामान चुराया है वो तो थोड़ी मिल पाएगा, मिलेगा 2-3 दिन बाद मिलेगा। मतलब बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, बट मुझे ये बिल्कुल, मैंने सोचा नहीं था कि 24 घंटे के अंदर सारा सामान, मतलब मेरे पर्स में एक 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 लिपस्टिक तक इधर से उधर नहीं हुई, या सोना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को, अयोध्या में आप सब लोगों ने जिन्होंने मेरी मदद की, मैं आप सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतनी तेज़ कार्रवाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि यही ये होता है मेरे राज्य में, और मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ, और मैं हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ साने अवध होटल में भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री मैडम आम्रपाली दुबे रुकी हुई थी, और इनके कमरे से सुबह लगभग 6-6:30 बजे एक संदिग्ध अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैग में रखे हुए कुछ जेवरात और मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिए गए थे। इस घटना की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया, घटना क्रम का छानबीन किया गया, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम का गठन किया गया, और कुछ सीसीटीवी इसमें प्राप्त हुए थे, उन सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस से इस घटना को वर्कआउट करने में सफलता मिली।
आज लगभग 8:30 बजे के लगभग 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया और जो चोरी हुआ माल था वो पूरा 100% इसमें रिकवर हुआ है। सारे के सोने के जेवरात, मोबाइल फोन और जो नकदी है वो बरामद हुई है। सर, इल्लू का जानकारी में जो पूछताछ है प्रारंभिक, उससे ये जानकारी हुई है बहुत ही प्रोफेशनल हैं ये। इस तरह के होटलों में जाके ऐसा लगता है कि ये उनके साथ घुल मिल जाते हैं जो यात्रीगण आके रुकते हैं, और बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में, ताकि कोई इन पर संदेह ना करे, अलग अलग कमरों में जाके खटखटा के जो कमरा खुला होता है उसमें जाके ये उनसे सामान उठा लेते हैं। और ये जो चोरी करने का इनका जो मोटिव है वो मॉर्निंग के समय है, टाइमिंग है, जब जो यात्री रुके हुए हैं वो अमूमन सो रहे होते हैं और जो स्टाफ है वो इस हालत में होता है कि वो निंद्रा की अवस्था में होता है। सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हुए थे, होटल में अलग अलग स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो होटल मालिक हैं उनके द्वारा हमें सीसीटीवी फुटेज और जो उनके वीडियो हैं वो उपलब्ध कराए गए। हमारी सर्विलांस टीम और कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक और चौकी इंचार्ज द्वारा इनका एनालिसिस किया गया, फिर इनका आइडेंटिफिकेशन हुआ और इनका पीछा किया गया। आज इनकी सुबह लगभग 8:30 बजे इनकी गिरफ्तारी बड़ी बुआ रेलवे क्रॉसिंग के पास से की गई। तमिल भाषी हैं इसलिए बहुत ही बातें कुछ आ रही हैं समझ में, और अभी हम लोग इनसे और पूछताछ कर रहे हैं। और कितने दिन से रहे ये? पहले आके अयोध्या थाना क्षेत्र में रुके हुए थे और कल ये वहाँ से चल के यहाँ सानियाबाद होटल में आए और इस घटना को अंजाम दिया।